नमस्कार छात्रों, आज आपका हिंदी के एक नए वीडियो में स्वागत है, जहां पर हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग को पढ़ेंगे। तो इसका आप दोहा देखिए। पहला कह रहे हैं, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भी। यह दोहा में, इस दोहे में तुलसीदास जी ने ये बताया है कि जो मंच जो है, जनक महाराज अर्थात सीता जी के पिता ने जो मंच अपनी पुत्री की शादी के स्वयंवर के लिए बनवाया था, वह मंच कैसा लग रहा है। कह रहे हैं कि उदित उदयगिरी ऐसा लग रहा है, वह मंच कैसा है, उदयाचल पर्वत के समान वह मंच है। और कह रहे हैं पर रघुबर बाल पसंग पतंग, और उस पर श्री रामचंद्र जी भी कैसे लग रहे हैं जब पहुंचते हैं। कह रहे हैं बाल पतंग, बाल पतंग का मतलब होता है सूर्य, अर्थात छोटा सूर्य की भांति जो है श्री रामचंद्र जी लग रहे हैं। और कह रहे हैं कि बिकसे संत, बिकसे माने खिल गए, संत रूपी कौन, कमल, जो कमल संत रूपी कमल थे वे खिल गए, क्योंकि सूर्य जब उगता है तो कमल खिलता है। और कह रहे हैं कि हर से लोचन भृंग, और उनके जो नेत्र रूपी भौरे थे वे प्रसन्न हो गए। तो इसका अर्थ देखिए, कह रहे हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, जब उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र रूपी छोटे सूर्य का आगमन होता है, तो वहां पर उपस्थित संत रूपी जो कमल थे वे खिल गए, और उनके जो नेत्र रूपी भौरे थे वे प्रसन्न हो गए। तो अब आगे देखिए, निपह केरी आशा निशनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भये विशोक को कमुनि देवा, बर सहि सुमन जना महि सेवा, गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि निसन आयुष मांगा, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंज भर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारे, पुलक पुर तन भय सुखारे, बंदी पितर सुर सुकित सभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु में डाल की नाही, तो रहूं राम गणेश गोसाई। तो कह रहे हैं कि निपह केरी आशा निशनासी, कह रहे हैं कि निपह केरी अर्थात जो वहां पर राजा थे, वहां पर उपस्थित राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वह नष्ट हो गई। निपह केरी अर्थात राजा रूपी जो आशा की रात्रि थी वह नष्ट हो गई, अर्थात राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वह नष्ट हो गई। और कह रहे हैं वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और जो उनके वचन रूपी तारों के समूह थे अब वे प्रकाशित नहीं हो रहे थे, अर्थात अब वे दिखाई नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि जब सूर्य उगता है तो तारे हट जाते हैं। और कह रहे हैं कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, और जो मानी माने होता है अभिमानी, जो अभिमानी महिप माने राजा, जो अभिमानी राजा थे वह कुमुद की भांति छिप गए, क्योंकि कुमुद जो है रात में खिलता है, और जब सूर्य यहाँ पर सूर्य रूपी राम का आगमन हुआ उस मंच पर, तो जो अभिमानी राजा थे कुमुद की भांति वह सकुचा गए। और कह रहे हैं कि कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा थे वह उल्लू की भांति छिप गए। और कह रहे हैं कि भय विशोक कोक मुनि देवा, और वहां पर उपस्थित जो चकवारूपी मुनि थे, जो ऋषि मुनि थे चकवारूपी, और जो देवता थे वे शोक रहित हो गए, विशोक बिना शोक के, कह रहे हैं कि वे शोक रहित हो गए हैं। और कह रहे हैं बरस ही सुमन जना वही सेवा, और वे पुष्प की बरसात करके जो है अपनी सेवा राम जी पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और राम जी क्या करते हैं, कह रहे हैं गुरु पद बंदी सहित अनुरागा,
कह रहे हैं कि गुरु के चरणों को कि वंदना करके कैसे सहित अनुरागा प्रेम के साथ जो है गुरु की चरणों के वंदना करके राम मुनि सन आयुष्य मांगा, राम मुनियों से आशीर्वाद मांगते हैं। और फिर क्या करते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजबर कुंजर गामी। और सहज ही चलते हैं कौन, सारे संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी, बड़े ही सहज होकर के चलते हैं। कैसे, कि मत मंजबर कुंजर गामी, जैसे कोई मतवाला मंजू सुंदर, कोई मतवाला सुंदर हाथी जो है मदमस्त होकर के जिस प्रकार से चलता है, वैसे राम जी जो श्री सकल सारे संसार के स्वामी हैं, वे बड़े ही सहज होकर के मंच की ओर चलते हैं। और जब चलते हैं राम जी तो क्या होता है, करें चलते राम सब पुर नर नारी। और राम जी के चलने पर वहां पर जितने नर नारी थे, कह रहे हैं कि पुलक पूरी तन भय सुखारी, राम जी को देख करके उनके तन पुलकित हो गए और बड़े प्रसन्न हो गए। कहने बंद पितर सुर सुकृत संभारे, और वे सभी जितने भी वहां की जनता थी, जितने भी नर थे, जितने भी नारियां थी जो है, जितने स्त्री पुरुष थे, कहने सभी ने जो है अपने पितरों को याद किया और देवताओं को याद किया तथा अपने पुण्य कर्मों को याद करके कहा, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि आज तक मैंने जो कुछ भी पुण्य कार्य किए हैं उसका फल राम जी को मिल जाए। और क्या करें, तो शिव धनु मृडाल की नाही, तो राम जी शिव धनुष को, मृडाल माने होता है कमल का जो डंठा होता है जिसमें कमल खिलता है, करें कमल की नाल, उस कमल की नाल की भांति जो है राम जी, हे गणेश गोसाई, राम जी जो है शिव धनुष को कमल की नाल की भांति तोड़ दें। तो फिर से देखिए, कह रहे हैं जो राजा रूपी, जो राजाओं की आशा रूपी रात्र थी वह नष्ट हो गई, और जो उनके तारे रूपी वचन थे अब उनमें प्रकाश नहीं रह गया, अर्थात तारे नष्ट गए हो गए। और कह रहे हैं जो अभिमानी राजा थे वे कुमुद की भांति सकुचा गए, और जो कपटी राजा थे उनमें से कुछ वे उल्लू की भांति छिप गए। और कह रहे हैं कि जो वहां पर उपस्थित चकवा रूपी मुनि और देवता थे वे शोक रहित हो गए, और वे सब जो है पुष्प बरसा करके अपनी सेवा श्री राम जी को प्रदर्शित कर रहे हैं। और कह रहे हैं गुरु पद बंद सहित अनुरागा, और राम जी जो है गुरु जी के चरणों की वंदना प्रेम के साथ करके मुनियों से ऋषियों से आशीर्वाद मांगे, और मतवाले हाथियों की भांति जो है राम जी बड़े ही सहज होकर के जो कि सकल संपूर्ण संसार के स्वामी हैं चलते हैं। और जब राम जी चलते हैं तो वहां पर उपस्थित समस्त नर नारी उस नगर के राम जी को देख करके उनके तन पुलकित हो जाते हैं, और वे सभी प्रसन्न हो जाते हैं, और वे सभी जो है अपने पितरों को याद करते हैं और देवताओं को याद करते हैं और अपने पुण्य कर्मों को याद करते हैं, और कहते हैं कि जो कुछ भी आज तक मैंने पुण्य कर्म किए हैं उसका प्रभाव अगर कुछ भी है तो वह सब पुण्य राम जी को मिल जाए। हे गणों के स्वामी, हे गणेश गोसाई, हे गणेश जी, तो राम जी शिव धनुष को कमल की नाल की भांति तोड़ गए। तो दूसरा दोहा देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मात स्नेह वस वचन कहें बिलखाई। तो यहां पर सीता जी की माता जो हैं, वह जब ये देखा कि जनक महाराज ने जो यज्ञ रखा है उस यज्ञशाला में जब राम जी पहुंचते हैं तो राम जी बड़े ही कोमल सुकुमार हैं, और उस धनुष को तोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े राजा आए लेकिन कोई धनुष को तोड़ नहीं पाया, और राम जी जब जाते हैं तो सीता जी की माता को ये संशय रहता है उनके मन में कि राम जी तो बड़े छोटे हैं, बड़े सुकुमार बालक हैं, कैसे तोड़ पाएंगे। तो क्या कहती हैं उनकी माता जी, कि राम ही प्रेम समेत लखी
सीता जी की माता राम को बड़े प्रेम से देखती हैं और क्या करती हैं, कहने सखिन समीप बुलाए, अपने सखियों को अपने पास बुलाती हैं, कहने सीता मात स्नेह बस, सीता जी की माता स्नेह बस जो है वचन कहें बिलखाए, रोती हुई कहती हैं अपनी सखी से। फिर से देखिए, सीता जी की माता राम जी को बड़े प्रेम के साथ देखती हैं और अपनी सखियों को अपने पास बुला करके रोती हुई कहती हैं, क्या सखी सब कौतुक देख निहारे, जेउ कहावत ही तो हमारे, कौन बुझाए कहें गुर पाही, ए बालक असिहठ भल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भोप करिदा पा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो प्यो सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय त्रास त्रिभुवन तम भागा। तो जब सीता जी की माता अपनी सखियों को पास में बुला करके रोते हुए क्या कहती हैं, कह रहे हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, कह रहे हैं हे सखी मैं जो है सारे आश्चर्य को जो है देख ली, कह रहे हैं हे सखी, सीता जी की माता कहती हैं कि हे सखी मैंने जो है सारे आश्चर्य को देख लिया, कह रहे जे उ कहावत हितु हमारे, ये सब जो हमारे हिती कहलाते हैं, ये सब जो हमारे हित चाहने वाले कहलाते हैं, ये सब हमारे हित चाहने वाले नहीं, सब तमाशा, कौतुक माने होता है तमाशा, ये सब हे सखी ये सब तमाशा देखने वाले हैं, ये हमारे हिती नहीं है, हमारा हित चाहने वाले नहीं है। कहने को न बुझाए कहें गुरु पाही, अरे किसी को ये समझ में नहीं आता कि जाकर के इन बालकों के गुरु से जाकर के कहें, अर्थात इनके गुरु कौन, राम जी के गुरु विश्वामित्र से जाकर के कहें ये बालक असिहट भल नाही, अरे ये तो बालक हैं, इनको ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए धनुष तोड़ने की, कह रहे हैं कि और के क्योंकि यह बहुत ही कठोर है, कह रहे हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, कह रहे हैं कि जिस बाण को रावण और बाणासुर जो है छू तक ना सके, दूर से ही प्रणाम करके चले गए और कह रहे हारे सकल फूप करी दापा, और संपूर्ण संसार के राजा एक साथ प्रयास करके हार गए, कह रहे हैं कि सो धनुराज कुंवर कर दे ही, हे सखी उसी धनुष को इन छोटे राजकुमार को दे रहे हैं, अरे ये तो ऐसी ही बात तो ही कैसी करें, बाल मराल की मंदर ले ही, मराल माने होता है हंस और बाल माने छोटा, यानी हंस का जो छोटा बच्चा हो और वह कभी मंदर ले ही, मंदर माने होता है मंदराचल पर्वत, यानी कभी वह मंदराचल पर्वत को ग्रहण कर सकता है, उसको उठा सकता है, अर्थात यह असंभव कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार से जो है ये छोटे से राजकुमार हैं, इन ये धनुष कैसे तोड़ पाए। तो कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं भूप सयानप सकल सिरानी, और कह रहे हैं कि रानी ने कहा कि देखिए सबकी बुद्धि मान लीजिए नष्ट हो गई तो कोई बात नहीं, राजा तो बड़े सयाने होते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है भूप सयानप राजा का सयानापन सकल सिरानी सब नष्ट हो गया है, आज हमको लगता है राजा का सयानापन जो है वह खत्म हो गया है। हे सखी सख्य बीती विधि कछ गति कछ जात न जानी, हे सखी हमें ऐसा लगता है विधाता की गति हमें कुछ समझ में नहीं आती है। तो जब इतना सीता जी की माता ने कहा और कहते ही शांत हो गई, तो सीता जी की माता की जो सखी है उन सखियों में से एक बड़ी ही चतुर सखी थी, उसने क्या कहा, कह रहे हैं कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, एक सखी जो बड़ी ही चतुर थी वह बड़े ही कोमल बड़े ही मीठी वाणी में कहती है, हे महारानी तेजवंत लघु गनियन रानी, हे रानी हे महारानी जो तेजवान है उन्हें छोटा जान करके उनके तेज पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जो तेजवान है उन्हें छोटा जान करके
छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भले ही वो छोटे हों लेकिन बड़े बड़े काम कर जाते हैं। कैसे, आगे उदाहरण दे रही है, कह रही कह कुंभज, कुंभज माने होता है घड़े से उत्पन्न होने वाला, और घड़े से उत्पन्न होने वाले थे अगस्त ऋषि। तो कह रहे हैं कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा, अरे कहां घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि और कहां इतना विशाल महासागर। कह रहे सो प्यो सुजस सकल संसारा, जो कि सारे संसार के जो है सागर को जो है पी गए। अब समझिए कि कितना बड़ा घड़ा था और कितने बड़े अगस्त ऋषि थे, लेकिन संसार को बहा देने वाला जो महासागर था उस महासागर को अगस्त ऋषि जो है ओक लगा करके पी गए। और कह रहे हैं कि इतना ही नहीं महारानी, रवि मंडल देखत लघु लागा, जो रवि मंडल है अर्थात जो सूर्य है वह देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब वह उदित ताश त्रिभुवन तम भागा, जब वह उदित होता है तो सारे संसार का जो है तीनों लोकों का जो है अंधकार भाग जाता है। तो फिर से देखिए वह कह रही है, सीता जी की माता कह रही है कि हे सखी, ये सब जो हमारे हित चाहने वाले कहलाते हैं ये सब तमाशा देखने वाले हैं, और हमको ये हमारा हित चाहने वाले नहीं है। अरे कोई किसी को ये समझ में क्यों नहीं आता कि जाकर के इनके गुरु विश्वामित्र से इन बालकों के ये कह दें कि ये बालक हैं, इनको ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। अरे जिस बाण को जो है रावण और बाणासुर तक छू ना सके और दूर से ही प्रणाम करके चले गए, और संपूर्ण संसार के राजा एक साथ प्रयास करके जो है हार गए, उस धनुष को जो है इन छोटे छोटे राजकुमार को दे रहे हैं। अरे यह तो बात वैसी हुई जैसे हंस के छोटे बच्चे को मंदराचल पर्वत ग्रहण करने को कहा जाए, धारण करने को कहा जाए। कह रहे हैं कि अरे मान, महारानी कह रही हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी, अरे मान लो सबका बुद्धि नष्ट हो गई, लेकिन राजा तो सयाने होते हैं, और लेकिन आज हमें ये लग रहा है कि राजा का भी सयानापन नष्ट हो चुका है। हे सखी, विधाता की गति हमें कुछ समझ में नहीं आती है। और जब इतना कहा तो सीता जी की माता कहकर के शांत हो गई, और इतने में सीता जी की माता की सखियों में से एक चतुर सखी ने कहा, कैसे मीठी वाणी में जो है एक चतुर सखी ने बोली कि हे महारानी, जो तेजवान होते हैं उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा, कहां घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि, जिन्होंने संसार के जो सागर थे उसे सुजस संसारा, उस सारे सागर के जल को पी गए। और कह रहे हैं कि इतना ही नहीं हे महारानी, रवि मंडल देखत लघु लागा, जो सूर्य है वह देखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन जब वह उदित होता है, जब वह निकलता है तो तीनों लोकों के अंधकार नष्ट हो जाता है। तो अब तीसरा दोहा देखिए, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। कह रहे मंत्र परम लघु, बहुत ही छोटा, कह रहे वह मंत्र बड़ा ही छोटा है, जासु जिसके बस में विधि अर्थात विधाता श्री ब्रह्मा जी और हरि श्री हरि विष्णु जी और हर 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 महादेव अर्थात शंकर जी, और इतना ही नहीं कह रहे सुर सर्व और जितने भी देवता हैं सभी, कह रहे हैं जितने भी देवता हैं और शंकर जी और श्री हरि विष्णु और विधाता, इन सबको प्रसन्न करने वाला जो मंत्र है वह बड़ा ही छोटा है। और कह रहे हैं इतना ही नहीं महामत गजराज को, कह रहे हैं कहां मतवाला, इतना बड़ा हाथी जो है लेकिन उसे अपने बस में करने वाला अंकुश, अंकुश वह अस्त्र है जिससे जो है हाथी को अपने बस में किया जाता है, छोटा सा खर माने छोटा, कह रहे कहां इतने बड़े गजराज हाथी लेकिन कहां वह अंकुश जो हाथी को वश में कर लेता है। तो इस दोहे में जो है सीता जी की माता की जो सखी थी
वह सखी जो है सीता जी की माता को समझाते हुए कह रही कि हे महारानी, आप हृदय छोटा मत करिए, क्योंकि जो है जिस मंत्र से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी और सारे देवता प्रसन्न होते हैं, वह मंत्र बहुत ही छोटा है। और इतना ही नहीं, जो इतने महाबलशाली जो है गजराज हाथी है, उसे बस में करने के लिए छोटे से अंकुश की ही जरूरत पड़ती है। और आगे देखिए क्या प्रमाण देती है, कह रही है, काम कुसुम धन साय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजिय संशय अस जानी, भंजब धन से राम सुन रानी, सखी बचन सुनि भय पर तीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोक वै देही, सब हृदय बिनवत जहि तेही, मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल यापन सेवकाई, करहि तो हरहु चाप गरु आई, गण नायक बर नायक देवा, आज लगे कीनि उतव सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरताय तिथोरी। कह रहे हैं कि काम कुसुम, काम माने कामदेव, कुसुम माने पुष्प, धनु माने धनुष। कह रहे हैं कि कामदेव ने पुष्प के धनुष को लेकर के सकल संसार को, सकल भुवन अपने बस कीनी, सारे संसार को अपने बस में कर लिया है। तो आगे वह सखी प्रमाण दे रही है, कह रही कि हे महारानी, देखिए कामदेव ने पुष्प के धनुष के, कमल के धनुष को लेकर के सारे संसार को अपने बस में कर रखा है, और इसलिए देवी तजी संशय यस जानी, इसलिए हे महारानी, आप जो है अपने मन से यह संशय, इस भ्रम को मिटा दीजिए, और ये समझ जाइए कि भंजब धनुष राम सुन रानी। हे महारानी, आप सुनिए, श्री राम जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। जब सीता जी की माता अपनी सखी की इस बात को सुना तो क्या हुआ, करें सखी बचन सुनी भय परतीति, करें कि सीता जी की माता ने जब इस वचन को सुना तो उनके अंदर का जो डर था, परतीति भय था जो, वह क्या हुआ, वह मिट गया। करें मिटा विषाद, और उनका जो कष्ट था वह भी मिट गया, वह भी दूर हो गया, और अब राम जी के प्रति बड़ा ही प्रेम बढ़ा उनका। क्यों? क्योंकि अब सीता जी की माता को लगने लगा कि अब ये हमारे दामाद जी बनेंगे। और आगे देखिए फिर क्या होता है, कह रहे तब राम ही विलोक वैदेही, तब इतने में जो है राम जी को सीता जी देखती हैं, और सीता जी जब देखती हैं, कह रहे तो क्या होता है, सभय हृदय विनमत जहिते ही, और हड़बड़ी में बड़ी बड़ी हड़बड़ाहट में जो है अपने हृदय में, अपने हृदय में ही जो है विनती कर रही, जो जो देवता उनके सामने आ रहे हैं उन सब की विनती कर रही, और देखिए क्या कह रही हैं, कह रही मन ही मन मनाओ यकुलानी, और बड़े ही व्याकुल होकर के अपने मन ही मन में सब देवताओं को मना रही, जो जो देवता उनके सामने आ जा रहे हैं, जो जो याद आ रहे हैं, और क्या करें, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शंकर जी, हे पार्वती जी, आप प्रसन्न होइए, सीता जी कह रही हैं, और क्या करूं सफल आपन सेवकाई, आज तक जो मैंने आपकी सेवा की है, आज आप हमारी सेवा सफल कर दीजिए, और क्या करिए, करी हित हरहु चाप गरुआई, और आप हमारा हित करिए, हम पर कृपा करिए, और कृपा करके आप धनुष के वजन को कम कर दीजिए, और करें कि हे गण नायक, हे गणों के नायक, हे वरदान देने वाले देव गणेश जी, आज लगे कि न्यू तो सेवा, आज जैसे कठिन दिन के लिए ही तो मैंने आपकी पूजा की थी। कह रहे हैं कि बार बार विनती सुन मोरी, आप बार बार हमारी विनती सुनिए, और करहु चाप गुरताय तिथोरी, और आप इस धनुष के वजन को कम कर दीजिए। तो देखिए फिर से कह रहे हैं कि कामदेव ने पुष्प के धनुष को लेकर के सारे संसार को अपने बस में कर लिया है, इसलिए हे देवी, आप अपने मन से
संशय को मिटा दीजिए, क्योंकि राम जी जो है, हे महारानी सुनिए, राम जी शिव धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। और जब यह बात जो है माता जी सीता की माता ने सुना, तो उनके इस बात को सुन करके उनका जो डर था वह दूर हो गया और उनका कष्ट भी दूर हो गया और राम जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। और इतने में राम जी को सीता जी देखती हैं, वैदेही अर्थात सीता जी, और अपने हृदय में विनती करती हैं जो जहीं तहीं जो जो देवता उनके सामने आते हैं उनको जो है अपने हृदय में विनती उनसे करती हैं और बड़ी ही व्याकुल होकर के अपने मन ही मन में मनाती हैं, कहती हैं, हे शंकर जी, हे भवानी जी अर्थात हे पार्वती जी, आप प्रसन्न होइए। अरे कह रहे कर हूं आपन सफल आपन सेवकाई और आप अपनी सेवा को अब सफल करिए और मुझ पर कृपा करके जो है इस धनुष के वजन को गरुवाई को कम कर दीजिए। हे गणों के नायक, हे वर देने वाले, हे वरदान देने वाले देव गणेश जी, आज जैसे कठिन दिन के लिए ही तो मैंने आपकी सेवा की थी, हे बार बार आप मेरी विनती सुन करके इस धनुष के वजन को कम कर दीजिए। तो आगे चौथा दोहा है, देखिए, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। कह रहे हैं कि देख देख रघुवीर तन, सीता जी जो है राम जी के शरीर को देख करके सुर मनाव धर धीर धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही हैं, देवताओं से विनती कर रही हैं। और क्या कह रहे हैं कि भरे विलोचन प्रेम जल, और जो उनके विलोचन वाले नेत्र और जो सीता जी के नेत्र हैं वह प्रेम रूपी अस्त्र से भरे हुए हैं और उनका शरीर क्या है पुलकित है। इस दोहे में जब सीता जी ने राम जी को देखा तब के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं क्या कि सीता जी ने जब राम जी के शरीर को अर्थात राम जी को जब देखा तो वह अपने मन में धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही हैं, देवताओं को याद कर रही हैं और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और उनका शरीर पुलकित है। आगे देखिए, नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा, अह तात दारु निहट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई, कहा धन कलशिहु चाहि कटोरा, कहा श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि कही भांति धरो उर धीरा, शीर्ष सुमन कन बेधि हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मुहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हर हूँ रघुपति निहारी, अति परिताप सीय मन माही, लो निमेष जुग सय सम जाही। कह रहे हैं कि नीके निरख नयन भरी शोभा, सीता जी जो है बड़े ध्यान से जो है नेत्र भर करके राम जी की शोभा को निहारती हैं, देखती हैं। और क्या फिर क्या होता है, पितुपनु, और पुनः पिता के जो है जो सुमिरे बहुरी मन शोभा, और जो पनु माने संकल्प, और पिता के संकल्प को याद करके उनके मन में पुनः ही बहुत कष्ट हो जाता है। पहले जब सीता जी राम जी को देखती हैं और कैसे करें नयन भरी नेत्र भर करके राम जी की शोभा को निहारती हैं, राम जी को देखती हैं, और पुनः जैसे ही उनके पिता का संकल्प उन्हें याद आता है तो उनके मन में बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उनके पिताजी ने यह संकल्प लिया है, धनुष जो कोई तोड़ेगा वही सीता को ले जाएगा, उसी से सीता की शादी होगी। तो सीता के मन में संशय हो गया कि कहीं राम धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि राम जी से सीता जी का प्रेम था थोड़ा। तो देखिए क्या होता है, कह रहे हैं कि अह तात दारुण हट ठाना, और सीता जी कहती हैं अरे पिताजी ने यह कितना कठिन हट ठान लिया है, समझत कछु नहीं लाभ न हानि, और हमारे पिताजी कुछ लाभ और हानि को समझ नहीं रहे हैं।
और करें इतना ही नहीं करें सचिव सभे सिख दे न कोई, और ये जो इनके सभासद लोग हैं जो इनके सचिव लोग हैं इन्हें कोई सच्ची सिख देता ही नहीं है। अरे बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, आज बुद्धिजीवियों के समाज में बड़ा अनुचित कार्य होने जा रहा है। कह रहे हैं कि कहां धन कल सिंह चाहे कठोरा, कह रहे कहां यह धनुष वज्र के समान कठोर, और कहां श्यामल मृदगात किशोरा, और कहां यह सांवले सांवले कोमल शरीर वाले ये राजकुमार, और करें कहां विधि के ही भांति धरो और धीरा, हे विधाता मैं किस प्रकार जो है अपने हृदय में धैर्य धारण करूं, अरे कहीं सिरस सुमन कन वेदी हीरा, कहीं सिरस के पुष्प से हीरा को छेदा जा सकता है, अर्थात यह असंभव है। कह रहे हैं कि सकल सभा के मति भय भोरी, और सीता जी कहती हैं हमें तो ऐसा लगता है कि सभा में जितने लोग बैठे हैं सबकी बुद्धि नष्ट हो गई है, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। इसलिए सीता जी कहती हैं कि हे शिवधनुष अब हमें किसी और पर भरोसा नहीं है, अब हमें सिर्फ आप पर भरोसा है, और आप क्या करिए निज जड़ता लोगन पर डारी, और आप अपने वजन को अपनी गरुवाई को यहाँ पर उपस्थित जो सारे लोग हैं उन पर डाल दीजिए, हो ही हरु रघुपति ही निहारी, आप क्या करके हो ही हरु, आप अपने वजन को कम कर लीजिए, क्या करके रघुपति निहारी राम जी को देखकर, अर्थात इतने हो जाइए जितना कि राम जी आपको उठा सकें। वही कह रहे हैं कि राम जी को देख करके कि राम जी के अनुसार हो जाइए, राम जी जितना उठा सकें। और कह अति परिताप सीय मन माही, सीता जी के मन में बड़ा ही उठा पटक है, बड़ा ही संदेह, बड़ा ही संताप उत्पन्न हो रहा है, और क्या कह रही है कि लो निमेश जुग सय समझाही, और उनका एक एक क्षण जो है एक एक युग के समान बीत रहा है। तो फिर से देखिए सीता